जय श्री राम। नमस्कार, मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिवाली से 7 दिन पूर्व यदि आप इस पूजा को शुरू करते हैं, इस पूजा को स्टार्ट करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी, लक्ष्मी का वास होगा और आपको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो आपने दिवाली से करीब 7 दिन पूर्व, दिवाली से 7 दिन पूर्व आपने ये शुरू करना है पाठ पूजा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कि आप ये देखिए कि आपने ये 7 सिक्के ऐसे, ये 7 सिक्के ऐसे ले लेने हैं। दिवाली से पहले 7 सिक्के ले लें, प्रतिदिन 1 सिक्का, चाहे ये सिक्का चांदी का हो, चाहे 1 रुपये वाला हो, चाहे 5 रुपये वाला सिक्का जो मार्केट में चलता है, ऐसा अभी मैंने लिया है 1 रुपये वाला सिक्का, ये देखिए। तो और इसको इस तरह से आप का लाल रंग की मौली ले लेंगे, इसको इस तरह से आप लपेट दीजिए। ये हमने लपेट दिया और अब इस सिक्के को ऐसे हाथ में रखना है और हाथ को बंद कर लेना है। हाथ को बंद करके अब आप अपने ईष्ट का नाम जाप करेंगे। ईष्ट का नाम सबसे पहले 11 बार, साईं 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 साईं, ये मैंने जैसे 11 बार किया। अब हमने 11 माला लक्ष्मी माँ की नाम की जाप करनी है। किसी भी ढंग से यदि आप कोई विशेष मंत्र जाप करते हैं लक्ष्मी माँ का तो ठीक है, वरना जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी आप इसको भी जाप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई विधान नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, मात्र लक्ष्मी माँ का नाम उच्चारण कीजिए, या फिर यदि स्पेशल कोई मंत्र का उच्चारण यदि आप दिवाली को किया करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब तत्पश्चात जैसे 11 माला आपने कर ली तो इसको आपने किसी स्थान पर रख देना है लक्ष्मी माँ की मूर्ति के समक्ष। एक मूर्ति आपके पास अवश्य होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये दिवाली से 7 दिन पहले शुरू करना है, यानी 7वां दिन दिवाली होना चाहिए और समय 2 घंटे की लिमिटेशन है। पूरे दिन में कोई भी तय कर लीजिए, जैसे 8 से 10 कर लिया तो ये 8 से 10 के बीच में ही होगा। और 11 माला एक ही बार में करनी है, ये नहीं है कि हम कभी उठ गए कभी बैठ गए, ऐसा नहीं है। यदि उठ गए तो दोबारा फिर से 11 शुरू करें। 9 माला हो चुकी हैं, आपको उठना पड़ गया तो आपकी पहली माला गिनी जाएगी। ये 11 माला क्या होती हैं, 108 बार को जाप करना एक माला कहा जाता है। अब यहाँ सवाल किया जाता है कौन सी माला लें, कैसी माला लें, कोई भी माला लीजिए, जाप श्रद्धा से कीजिए, प्रेम से कीजिए, प्रेम का सिमरन उसमें डालिए, प्रेम का मिश्रण उसमें डालिए। माला कौन सी हो ये कोई इतना अहम नहीं है जितना कि प्रेम और भक्ति और श्रद्धा। यदि आप श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं तो आपको शक्तियाँ मिलती हैं, आपको परमात्मा की वाइब्रेशन मिलती है। यदि आप इस प्रकार करते रहे तो ये 7 सिक्के आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ये हुए 7वें दिन जब आपने 11 माला कर ली तो फिर शाम के वक्त आपके 7ों सिक्के लक्ष्मी पूजन में रखेंगे और वहाँ पर फिर 11 माला का जाप करेंगे। यानी दिवाली वाले दिन डबल हो गया, एक सुबह किया, एक जब लक्ष्मी पूजन किया तब किया। और अब उस सारे सामान को, मतलब जो पूजन का सामान है और इन सिक्कों को पूजन में जो आप सिक्का रखेंगे या कुछ भी रखते हैं उसका जो भी आप करते हैं करें, इन सिक्कों को आप उठा लेंगे और इन सिक्कों को उठाकर अपने अपने खजाने में रखेंगे, जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ पर रखेंगे। साथ में एक पानी का गिलास रखेंगे लक्ष्मी पूजन के लिए, सुबह ही रख देंगे, पूरा दिन पड़ा रहेगा और अगले दिन तक पड़ा रहेगा। अगले दिन आप उसको उठाएंगे और उसको एक शीशी में भर लेंगे और उसका निरंतर छिड़काव करते रहिए, उसको बढ़ाते रहिए, जैसे कम होता रहे दूसरा पानी डालते रहिए, तो आप देखेंगे बहुत सारी शक्तियों का वास आपके निवास पर होगा, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, कर्ज मुक्ति होगी और बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। ये अजमाया हुआ टोटका है, मैंने खुद अजमाया है, दूसरे टोटके तो लोग अपनाते होंगे, ये टोटका मैंने खुद अजमाया है, आप कीजिए। और जो ये सिक्के उठाने हैं ये भी दिवाली के अगले दिन उठाने हैं, पूरी रात वहीं पर पड़े रहने हैं। तो ये
जो था मैंने आपको बताया, विधिवत कीजिए, बस इसमें श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए। और यदि किसी औरत को मासिक धर्म है तो वो ये नहीं कर सकती है, उसके पति करें या कोई करे। और यदि मासिक धर्म बीच में आ गया तो आपका उपाय खंडित हो गया, आपको अगले वर्ष तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जिनको शंका है कि उनको मासिक धर्म हो सकता है, वो ये उपाय ना करें। इस उपाय को करते हुए आपको श्रद्धा का एक विशेष आंकलन, एक विशेष श्रद्धा भाव अपने मन में रखना है, तभी आपको पूर्ण शक्तियां प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब हम ये कर रहे होते हैं तो एक विशेष वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है और वह वाइब्रेशन हमें आगे ले जाती है। तो इसलिए आप इसे श्रद्धा से करें। और आप मुझे इजाज़त दें, यदि आपको कोई मुझसे सवाल करना है और यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है, कोई समस्या है, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। व्हाट्सएप जो है वो आप लिख कर करेंगे, 4 या 5 दिन में जवाब मिलेगा। फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। और हाँ, यदि जन्म पत्री देखने वाली बात हुई तो फिर फीस लगती है, जो हम गरीबों में इस्तेमाल करते हैं, पेंशन देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।